किनको नहलाने के पानी को चरणामृत बोलते हैं? गणेश जी, शंकर जी और गोपाल जी। गोपाल जी मतलब कृष्ण, राम और नारायण, इन तीनों को गोपाल जी कह सकते हैं, शालिग्राम जी कह सकते हैं। शंकर जी को नहलाया हुआ जल और भगवान कृष्ण को नहलाया हुआ जल, इन दोनों में से किनको नहलाने के जल को चरणामृत कहते हैं? गोपाल जी को। शालिग्राम भगवान को नहलाने के बाद जो पानी बचता है उसे चरणामृत कहते हैं, उसे पीना चाहिए। पर शंकर जी को जो नहलाने का जल है, उस जल को आप अपनी आंखों से लगाकर शिव जी पर चढ़ाया जल अपने ऊपर सिंचित कर सकते हैं, उसे पी नहीं सकते। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल उसे चरणामृत नहीं कहते। उस जल से अभिषेक हो सकता है आपका, मतलब उसको छींटा मार सकते हैं, आंखों से लगा सकते हैं, उसे पीने का अधिकार शास्त्र नहीं देते। किनका पांव का जल पीना चाहिए चरणामृत? शालिग्राम भगवान मतलब नारायण, नारायण मतलब राम, मतलब कृष्ण, और गोपाल जी, ये गोपाल जी हैं। इनको नहलाया हुआ जल, राम जी को नहलाया हुआ जल, कृष्ण जी को नहलाया हुआ जल, भगवान विष्णु को नहलाया हुआ जल, उसे पी सकते हैं। पर पीने के पहले दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके चरणामृत अपने पितरों के नाम का छिड़क दिया करो। हे मेरे पितर, ये प्रभु का चरणामृत आप स्वीकार कर लीजिए, यही तर्पण है। आप रोज भगवान को नहलाते हो ना, तो रोज एक काम किया करो, और ये काम स्त्रियां गोपाल जी को नहलाएं और पुरुष शालिग्राम भगवान को नहलाएं, और नहला करके और अपने पितरों के लिए क्या छोड़ो? केवट ने राम जी से क्या बोला? पहले मैं पितरों को पार लगाऊंगा फिर आपको। अब उसके पितर वहां तो थे नहीं, पर चरणामृत था, तो राम का चरणामृत छिड़क दिया, इतने से उनके पितर पार हो गए। आप गया जी नहीं जा सकते, अपने पितरों के लिए भागवत जी का पाठ नहीं करा सकते, तो चरणामृत ही छिड़क दो, इसी चरणामृत से उनका उद्धार होगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं जो चरणामृत पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए घर से निकला करो तो चरणामृत पीकर निकला करो। बच्चों को घर से भेजा करो स्कूल, तो रोज चरणामृत भगवान को नहलाकर एक तांबे के बर्तन में उस चरणामृत को रख लो, ढक के रखो, बच्चों को चरणामृत पिलाकर बेटी को, पति को, पत्नी को, दादा को, सबको चरणामृत दिया करो। भगवान को रोज नहलाओ, पितरों को छिड़को, अपने घर परिवार में सबको चरणामृत दो। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिरों में चरणामृत मिलता है कि नहीं? वो चरणामृत भगवान शंकर जी के मंदिर में भी यदि शालिग्राम भगवान है तो उनको स्नान करने का जल ही वहां चरणामृत कहलाएगा, वरना वहां चरणामृत नहीं होगा। बात समझ में आई? केवल भगवान नारायण कृष्ण राम के ही चरणों का चरणामृत चरणामृत कहलाता है। इसलिए शंकर जी चरणामृत को अपने माथे से रखते हैं। शंकर जी के माथे पर गंगा है। कौन है गंगा? कौन है? भगवान के चरणों से निकली ही तो गंगा है। तो भगवान के चरणामृत को शिव जी अपने माथे पर सजाते हैं, उस चरणामृत को तो शंकर जी भी तरसते हैं। इसलिए चरणामृत पिया करो, पितरों को पार लगाओ और आप उसे ग्रहण करो, तुलसी का दल डालकर।